अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग जो है वहीं से कंटिन्यू, जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग छोड़ा था अपना, जब मैं उमरा कर और जद्दा पहुंचा था, तो मैंने अपना व्लॉग वहां रोक दिया था। तो अब ये व्लॉग जो यहाँ से कंटिन्यू, अब आप लोग देखो मैं पूरी सिटी स्कूल सब्जी लेने ये बैठे होते थे, यहाँ सब्जी वाले लाइन से ये थोड़ा चेंज कर दिया, बस थोड़ा सा चेंज हो गया, दुकान पुरानी सुपरमार्केट होटलें ये अपनी सारी होटलें, कबाब आ गया, मेहराना होटल निराला आ गया, निराला आ गया, शाहीन होटल आ गया, जिसमें तुम मकाम फाइन आ गया, ये मकाम फाइन आ गया, ये सारी अपनी पाकिस्तानी होटलें, चाइनीज वगैरह, ये मकाम निराला एक और आ गया, ये रहा ठीक है। मैं वो जगह भी दिखाऊंगा बचपन में मेरा, चीफ स्टेशन आ गया फैमिली के साथ, और जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरी बर्थ हुई थी। ये गोश्त की दुकान बहुत पुरानी है, ये वाली दोनों बता रहे हैं जगह, तो ये सारी पुरानी जगह मुझे बता रहे हैं कि वो जगह है जो पहले भी हुआ करती थी। और जो मोइन भाई वालों की दुकान वगैरह, भाई की दुकान और यूसुफ सिंधी की मार्केट, जहाँ शब्बीर सब्जी बेचता था अपना इंडियन, वो सब इधर, वो सारा तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, वो सब खत्म कर दिया। आते थे ना ये पूरा वही पुराने इलाके से ना, बहुत सारे जो है वो डिमोलिश करती है इन्होंने, बचा हुआ चीज़ है, बाकी बहुत सारे जो एरिया है ना उन्होंने। बाद में एक स्कूल नहीं खोला था मिसेस खान ने, वो इस तरफ था। अच्छा ये आ गया भाई सफा बवादी, ये आपके घर वाली गली आ गई, वैसे याद है, याद आ गया, याद आ गया। तो अभी छोटी लग रही है गली, हाँ अब छोटी लगेगी, कोई बात नहीं। ये पार्किंग इसको जहाँ नजर आएगी रिवर्स मारेगा। ये सामने देख फैजी, गाड़ियाँ खड़ी हैं, जहाँ बचल चाचू जिस कमरे में बाद में रहते थे, यहाँ कमरा होता था बचल चाचू वाला, फिर बाद में तो अपन ने वहाँ दिलवा दिया था उनको कमरा। ये बिल्डिंग अपने सामने ही बनी थी। हाँ ये बिल्डिंग में ज्यादा गया, यहाँ से अपन नमाज पढ़ने जाते थे, मस्जिद और ये अपने वाली बिल्डिंग जहाँ रहते थे अपन, ये बिल्डिंग अपनी, एक ट्यूब लगली भी है। अरे हाँ ये आज भी वैसे ही बना हुआ है, वैसे ही वैसे ही है, वैसे ही वैसे। ये चश्मा बना हुआ है ना, इसके बराबर में ओ ये आ गया, ये वाला ना, ओ ये मजमू बदरुद्दीन पार्ट खड़े होके बना ले, ये आज तक भी ऐसे ही बना, वैसे का। तो व्यूवर्स ये वो हॉस्पिटल है जहाँ मेरी बर्थ हुई थी। सामने तो अभी हम इमाद बेकरी आए हैं, ये भी बेकरी बहुत पुरानी है, तो यहाँ से हम सुबह नाश्ते के लिए कुछ सामान लेंगे। मैं जो है थर्सडे को पहुँचा था और अगला दिन जो है फ्राइडे का था, तो सुबह उठते ही जो है नाश्ता बन रहा था, ये बाबा जो है नाश्ता बना रहे, तो नाश्ता करके जो है फिर नमाज की तैयारी करेंगे। आज बहुत दिनों बाद जो है ज़बरदस्त नाश्ता करेंगे। और अब जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा जद्दा का समंदर, सी साइड यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। सी साइड पे आ गए बिल्कुल, यहाँ पे बहुत रश हो रहा है। अब हम आगे की तरफ जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर पिक्चर वगैरह सही है। आज के व्लॉग को जो हम बस यहीं एंड करते हैं। तो अगला व्लॉग जो है कंटिन्यू होगा इसके बाद भी, इसके बाद एक और पार्ट है। तो वो जो पार्ट है उसमें मैं बस वापसी की अपनी रिटर्न जर्नी दिखाऊंगा आप लोग को कि किस तरह मैं वापसी जा रहा हूँ जुबैल, जद्दा से जुबैल तक का सफ़र। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, अच्छे लगते हों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए ज़रूर जाइएगा।